दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन कुछ भी सामान लेना चाहते हैं, कुछ भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आपको पैसे की आवश्यकता होगी अभी के अभी जब आप ऑर्डर करेंगे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं और कोई भी सामान को आपको ऑनलाइन अभी ही परचेज करना है, तो आप कैसे खरीद सकते हैं? इसका साधारण जवाब है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बाद में एक महीनों के बाद उसे पेमेंट किया जाता है क्रेडिट कार्ड में, अगर आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी होगा तो। लेकिन क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, यानी कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होता है, सिविल स्कोर बढ़िया रहता है, उन्हीं लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलता है। पर दोस्तों, एक और तरीका है जिसके मदद से आप अभी का अभी सामान खरीद सकते हैं और आपको पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पे लेटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अमेजोन यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, तो आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का एक सर्विस है और अमेजोन पे लेटर का एक सर्विस है। फ्लिपकार्ट पे लेटर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इससे रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा अमेजोन पे लेटर के बारे में, आप अमेजोन पे लेटर को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे शॉपिंग कर सकते हैं, पूरा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर। तो दोस्तों, आपको अपने क्रोम ब्राउजर में amazon.in लिखना है और amazon का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाना, जहाँ पे शॉपिंग करते हैं। amazon ओपन करने के बाद सिंपल आपको मेनू पर आना है, यहाँ पे आपको amazon पे का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज नज़र आएगा amazon पे वाला। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, amazon पे बैलेंस और यहाँ पे amazon पे लेटर। तो सिंपल उसके नीचे आप लोग देख पा रहे हैं गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि साइन अप इन 60 सेकंड, तो यहाँ पे सिर्फ 7 सेकंड में आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिंपल साइन अप 60 सेकंड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह का पेज आप लोगों के सामने लोड लेगा। जैसे ही इस पेज को पूरी तरह से आपको ओपन होने देना है, तो आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर में आपको 4 स्टेप दिखाए गए हैं। पहला है, आपको देख पा रहे हैं कि चारों स्टेप आपको पूरा करना है और आपका अमेजन पे लेटर अभी तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। नीचे यहाँ पे आपको पैन कार्ड मांगा जा रहा है, पैन कार्ड डाल देना है, डेट ऑफ बर्थडे डाल देना है। और पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थडे डालने के बाद सिंपल नीचे आपको यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वेरीफाइड डिटेल हो गया, उसके बाद ये अपने आप फेच लेगा आपके पैन कार्ड को, कितना आपका सिविल स्कोर है सब कुछ आपको उठा लिया जाएगा। और अगला पेज कुछ इस तरह का अपने आप प्रोसेस लगा, आपको कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको OTP भेजेस का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। इंटरव्यू और आधार नंबर, तो सिंपल यहाँ पे आपको अपना जो भी आधार नंबर है वो डालना है। और नीचे यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको सिंपल आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको भर देना है। तो ध्यान रहे, वो आपके मोबाइल आपके पास होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP मेरे पास आ गया है, तो मैं OTP को सिंपल यहाँ पे वीडियो पास करके डाल देता हूँ। तो शायद मेरे पास OTP आ गया है दोस्तों। OTP डालने के बाद सिंपल आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे पेज लोड लेगा, तो इसको आपको वेट होना है। चलिए मेरा पेज लोड ले रहा है दोस्तों। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का आपको पेज नज़र आएगा, तो आपको वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। और आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, लाइव है मुझे यहाँ पे 7500 का, यानी कि यहाँ पे अमेजोन पे लेटर का जो लिमिट है वो 7500 रुपये मुझे मिल चुका है। और आपके पास इस तरह का मैसेज भी आएगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैसेज में इस तरह का आएगा, यहाँ पे OTP आ गया है सक्सेसफुल का। जब ये OTP डालोगे तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, मेरा लिमिट 7500 है। चलिए मैं OTP डाल के एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह का कुछ अगला पेज आएगा। आपका 3 स्टेप यहाँ पे पूरा हो गया है, मतलब कि आपका जो अमेजोन पे लेटर है वो एक्टिवेट हो चुका है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हैं, यानी कि उसे आप कट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन ऑटो पे सेटअप के लिए है, यानी कि आपके बैंक के साथ अमेजोन पे लेटर लिंक हो जाएगा। तो सिंपल अगर आप चौथा ऑप्शन चालू कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका बैंक आपको सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको आपका जो भी ATM कार्ड है उसका डिटेल डालोगे तो ये ऑटो पेमेंट हो जाएगा। चलिए मैं इसे सेटअप नहीं करूँगा, मैं इसे बैक हो जाता हूँ। और आपको सिंपल बैक होम पेज पे वापस आ जाना है दोस्तों। सिंपल आपको अमेजोन के होम पेज पे आने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं अमेजोन पे लेटर का वहीं पे आप लोग सेट। चलिए आपको फिर से मैं बैक हो जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अमेजोन पे लेटर में सेटअप ऑटो पेमेंट का आपको ऑप्शन देखा पड़ रहा है, क्योंकि मैंने ऑटो पेमेंट अभी नहीं किया है। तो इसके ऊपर जैसे अमेजोन पे लेटर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा
कि आपका लिमिट कितना है, आप कितने का परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से आपको डिटेल बताया जा रहा है। 7500 मुझे मिला, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। अगर आप ऑटो पेमेंट सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है, मैं इसे कैंसिल कर दिया हूँ। कैंसिल इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि मैं मैनुअल पेमेंट कर दूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑटो पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर उसी तरह से आपका बैंक सेलेक्ट करना, आपका ATM डिटेल डालोगे और आपका हो जाएगा। चलिए मैं एक मोबाइल आपको खरीद के यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोई भी रेंडम मैं मोबाइल खरीद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ, जैसे रेडमी का एक मोबाइल है, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको जिस तरह से नॉर्मल बाइंग होता है उस तरह का बाइंग यहाँ पे बाय नो के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए मैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे तो अगर आपका अमेजोन पे लेटर एक्टिवेट हुआ रहेगा तो सिंपल यहाँ पे एड्रेस आपको दिखेगा, जो भी आपका एड्रेस है उसके ऊपर आपको एड्रेस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको अवेलेबल लिमिट 7500 यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अमेजोन पे लेटर का ऑप्शन आपको यानी एक्टिवेट आपको पूरी तरह से सक्सेसफुल तुरंत ही 60 सेकेंड के अंदर जो भी हमें बोला गया था वो बिल्कुल सच है। तो सिंपल यहाँ पे आपको अमेजोन पे लेटर के ऊपर आपको क्लिक करना है और ऊपर में जो कंटिन्यू है, जैसे आप शॉपिंग करते हैं नॉर्मल शॉपिंग उसी तरह आपको करना है, कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर देना है। आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा कि कितना आपको प्रोडक्ट के बारे में कब डिलीवर होगा, किस दिन आपका होम डिलीवर होगा, उस तरह का पूरा एड्रेस आपको दिखा जा रहा है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ नीचे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्लेस योर ऑर्डर करोगे दोस्तों, तो सिंपल आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, यानी कि जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है उससे आपका पेमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अब आपको बिल्कुल फ्री में आप पेमेंट यानी कि ऑर्डर कर दिए, लेकिन ये पैसों को आपको अगला मंथ के 5 तारीख से पहले आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप सितंबर में कोई भी चीज़ आप परचेज किए हो तो अगला मंथ का 5 अक्टूबर से पहले 5 अक्टूबर के बीच में आपको जो बिल जनरेट होगा आपको फिर से वहाँ पे आना है और इसको आपको पेमेंट कर देना है। तो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पे लेटर हो गया, दोनों का सेम ही प्रोसेस है, या अमेजोन पे लेटर हो गया, दोनों का जो सर्विस है वो एक्टिवेट करके आप आसानी से सामान को मंगा सकते हैं और 1 महीने बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सेटअप ऑटो पेमेंट कर देते हो तो आपके बैंक से ऑटोमेटिक जो पैसा है वो डेबिट हो जाएगा। तो मैंने सेटअप ऑटो पे नहीं किया था, कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे अमेजोन पे पर फिर से आप जाओगे तो वहाँ पे आपका बिल बना हुआ देखेगा, उसे आप पेमेंट कर सकते हो वहाँ से UPI के थ्रू से, या जो भी मदद से आप करना चाहते हो वो आपको सारा ऑप्शन वहाँ पे पेमेंट करने का मिल जाएगा। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अमेजोन पे लेटर है क्या, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।